नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैकेंसी अड्डा पर। दोस्तों, बेरोजगारी भत्ते के नियम में कुछ बदलाव करने के कारण काफ़ी लोगों के जो मैसेज है वो वापस आए हैं कि आपका फॉर्म जो है रिसबमिट करना पड़ेगा, और लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और वापस आए हैं और रिसबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस बदलाव के लिए सारी जानकारी हम आप इसको वीडियो में देंगे और क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, क्या आपको करना पड़ेगा इसके लिए ताकि आपका फॉर्म सबमिट हो जाए और आपको ये भत्ता मिल जाए, इसके लिए वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। और आपको एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के बीच में शेयर करने के बाद कमेंट्स भी करें दोस्तों, ताकि हम और बेहतर वीडियो बना सकें और आपको कुछ बता सकें। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स भी टाइप कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए और कंटिन्यू रहिए। दोस्तों, बात करते हैं बेरोजगारी भत्ते के नियम में जो बदलाव हुए हैं उसके लिए 5 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और 1,60,000 को ही इस वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अब दोस्तों, बात ये आती है कि 1,60,000 कौन से कैंडिडेट्स को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी, तो उसके लिए जो आय कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। जिसकी एज बड़ी है और इस भत्ते के लिए सारी क्वालिफिकेशंस जो सारी रिक्वायरमेंट्स रखता हो उसको ही ये भत्ता दिया जाएगा और इस वित्तीय वर्ष में 1,60,000 को ही ये दिया जाएगा। फॉर्म 5 लाख से भी ज़्यादा भरे गए हैं लेकिन दिया 1,60,000 को ही जाएगा इस वर्ष, अगले वर्ष फिर से 1,60,000 दिया जाएगा। और दोस्तों, श्रम विभाग ने सभी को एक ही मैसेज भेजा है, जिस मैसेज को पढ़ के आपको फॉर्म वापस से रीसबमिट करना है वो सेम मैसेज है। अगर किसी के भी कुछ प्रॉब्लम्स है उसके बावजूद भी यही मैसेज दिया गया है। ये मैसेज देने का रीज़न ये है कि अभी भी जस्ट बेरोजगारी भत्ते की जो अक्षत योजना है उसका नाम बदल कर दूसरा कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो एक कॉमन जो वेरिफिकेशन है, मीन्स कॉमन जो आपको स्व घोषणा पत्र है वो वापस से अपलोड करना पड़ेगा। उस घोषणा पत्र में कुछ चीज़ें दी गई है जो मैं आपको बताऊंगा, उसको अगर कोई फॉलो करता है तो उसके खिलाफ दंडनीय अपराध का भी केस लागू होगा और उसको छात्रवृत्ति नहीं मिल जाएगी और धोखाधड़ी का जो मामला है वो भी हो सकता है दोस्तों। तो आप सतर्क रहें इससे और ये पहले ये नोटिफिकेशन देखकर, ये वीडियो देखकर ही अपना फॉर्म फिलअप करें और 15 जुलाई तक जो फॉर्म वापस सबमिट हो जाएंगे और सही होंगे उनको 15 जुलाई तक छात्रवृत्ति भी मिलेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाते हैं और उस आदेश को भी पढ़ लेते हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उसको भेजा है और उसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इस पहले इस मैसेज की, सभी को कौन सा मैसेज शो हो रहा है उस मैसेज को पढ़ लेते हैं। मैसेज सभी कैंडिडेट्स को ये एक ही मैसेज आ रहा है तो इस मैसेज को पढ़ लेते हैं। योर अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वेस्ट हैज़ बीन बैक टू सिटीजन बाय सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जोधपुर बिकॉज ऑफ रीजन। ये जोधपुर का मैसेज है जो बता रहा हूँ। अगर आपके अनएम्प्लॉयमेंट जो एक्सचेंज जो है रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहीं इसी और डिस्ट्रिक्ट से है तो वहाँ का मैसेज आपको आएगा। आगे है बिकॉज ऑफ रीजन, रीजन दिया है अदर रिमार्क, ऑर्डर करके रिमार्क में लिखा है अपलोड द साइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एज पर पॉइंट नंबर एट में फर्स्ट सब पॉइंट, उसका दूसरा जो पॉइंट है उसी 8 नंबर का सेकंड ऑफ द गाइडलाइन ऑफ मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ये जो अभी अक्षत योजना का नाम चेंज करके रखा गया है, ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इस योजना में इश्यूड ऑन 11 जून 2019, अभी 11 जून को ये नया नोटिफिकेशन जो आया है उसके अनुसार जो ये 8 नंबर पॉइंट का 2 नंबर सब पॉइंट है वो आपके लागू होता या नहीं है उसको भर के आपको डिक्लेरेशन जिसे बोलते हैं उस पर साइन करके वापस सबमिट कराना पड़ेगा। इफ़ यू हैव सबमिटेड द इनकम डिक्लेरेशन फॉर्म इन एनेक्सर वन, अगर आपने एनेक्सर वन जो है वो डिक्लेरेशन इनकम का दिया है तो उसको भी रीसबमिट करना पड़ेगा। प्लीज़ रीसबमिट या अपलोड द इनकम डिक्लेरेशन फॉर्म इन एनेक्सर वन एज पर द प्रीवियस ऑफ नोटेरियल रजिस्टर नंबर एंड डेट रूल्स 11 विद प्रेस्क्राइब सील ड्यूली साइंड बाय नोटरी पब्लिक अंडर नोटरी रूल्स 1956। तो दोस्तों, जो आय का डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है 2 पेज का, आई और के जो था, उसको आपको वापस से फिलअप करके नोटरी पब्लिक से वापस अटेस्टेड कराना जरूरी है।
पुराने फॉर्मों में तो ये जो नोटरी कराओगे आप वो चल जाएगा, अगर आपने नोटरी पहले से करा रखा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपकी सिर्फ प्रॉब्लम रही ये 8.1.2 की, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, उसके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, लेकिन कहीं नहीं जाएगा, अंत तक देखते रहिए। तो चलते हैं इस पॉइंट की तरफ और नई गाइडलाइन की तरफ जो अभी 11 जून को आदेश जारी किए गए। दोस्तों 11 जून को ये आदेश आपको जारी किया गया राजस्थान सरकार श्रम और नियोजन विभाग द्वारा, जिस 11/6/2019, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 11/6/2019 को ये जारी किया गया था। इसके अनुसार आदेश है कि राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज में समाहित बिंदु 10 के उपबिंदु 1 के अनुसरण में पूर्व से संचालित अक्षत योजना के नाम में परिवर्तन करते हुए राजस्थान राज्य में स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु मुख्यमंत्री संबल योजना के दिशा निर्देश स्पष्ट किए जाते हैं। इस अक्षत योजना को अब मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कहा जाएगा। इस मात्र एक इस बदलाव के कारण सभी को दिक्कत आ रही है और इसमें कुछ चेंजिंग किया गया वो इस प्रकार है। नाम इसका मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कहलाएगी। इस योजना संपूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी। ये योजना 1 फरवरी 2019 से लागू हो चुकी है। परिभाषा में बताया है, इस योजना की डिटेल बताई है। पारिवारिक आय, परिवार की कुल वार्षिक आय, माता पिता, पति पत्नी, वयस्क बच्चों की आय सम्मिलित हैं, ये मिला के 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बेरोजगार किसको मानते हैं इसकी परिभाषा ये है, बेरोजगार योजना में निर्धारित पात्रता आने वाले राज्य के मूल निवासी स्नातक एवं समकक्ष योग्यताधारी बेरोजगार जो आवेदन की तिथि को स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है, परंतु आवेदन तिथि तक उसे रोजगार प्राप्त नहीं हुआ हो एवं स्वयं का कोई रोजगार नहीं कर रहा हो, ये पंजीकृत आपने पहले नहीं कराया है तो आप पंजीकरण बाद में अभी भी करवा सकते हैं। पहले पंजीकरण होगा, उसके बाद में हताहत फॉर्म भरा जा सकता है। और योग्यताधारी जो ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष हैं जो राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त अगर आप आउटसाइड राजस्थान से अगर प्राप्त किया है तो आपको मान्यता नहीं मिलेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू आउटसाइड राजस्थान एंड स्टडी आउटसाइड राजस्थान, अगर आपने स्टडी भी आउटसाइड राजस्थान किया है तो भी आपको ये भत्ता नहीं मिलेगा, सिर्फ राजस्थान विश्वविद्यालय से ही अनिवार्य है। अब इसकी पात्रता देखें, प्रार्थी राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, राज्य राजस्थान राज्य की स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, राजस्थान के इतर अन्य राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्थान डिग्री, महिला का विवाह राजस्थान के मूल निवासी से होना पर पात्र होगा। अगर आप आउटसाइड राजस्थान से किसी ने अगर डिग्री ली है और उसने राजस्थान की किसी महिला के साथ में विवाह किया है तो ही वो मान्य है, अदरवाइज नॉट। और प्रार्थी राजकीय या निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं हो तो उसको दिया जाएगा। आयु सीमा जो है वो आप देख सकते हैं, अभ्यर्थियों की आयु जो है 30 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए, और SC/ST कैंडिडेट के लिए 35 अधिकतम होनी चाहिए, और जनरल OBC के लिए 30 एज डिटरमाइन की गई है। तो ये इस तरह से ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंट्स हैं। आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में या हमारे मैसेज में कमेंट्स करके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मंगवा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में, जो ये नियम है ये आप पढ़ सकते हैं, और अपात्र कैंडिडेट कौन से हैं वो इसकी भी लिस्ट है, ये जानकारी आप देख सकते हैं इसके वीडियो में। अब जिसको ये नहीं मिलेगा, अपात्र कौन से होंगे, देखो वे बेरोजगार इंजीनियर जो कि राज्य सरकार के बेरोजगार इंजीनियर को बगैर निविदा आमंत्रण किए जाने की योजना के तहत पात्रता रखते हैं तथा जिनके द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है, उनको ये पात्र नहीं होंगे। इस प्रकार के बेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात भी एजुकेशन कर रहे हैं वो भी ये नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार के बेरोजगार जो कि किसी अन्य योजना जैसे कि PMGSY, MNREGA तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं, MNREGA में पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो बेरोजगार NREGA में पंजीकृत हैं और नहीं जा रहे उनको भी नहीं मिलेगा। ऐसे बेरोजगार स्नातक जिसकी वार्षिक आय 2 लाख से अधिक है उनको भी नहीं मिलेगा। पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना 2007 या अक्षत कौशल योजना 2009 या अक्षत योजना बेरोजगारी राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012 में भत्ता प्राप्त कर चुके कैंडिडेट को भी नहीं मिलेगा। जिनको किसी सरकारी विभाग या संस्था द्वारा पंजीकृत कर दिया गया है उसको भी नहीं मिलेगा। जिसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हो उसको भी नहीं मिलेगा। जो राज्य जो सरकारी या निजी क्षेत्र में सेवारत हो या जिनका स्वयं का रोजगार है उसको भी नहीं मिलेगा। जो केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति सहायता या लाभ प्राप्त कर रहे हों उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब बेरोजगारी भत्ता जो है वो पुरुष प्रार्थी को 3,000 रुपये और महिला प्रार्थी को
3500 रुपये दिया जाएगा। और बेरोजगार भत्ता जो है वो 2 वर्ष की अधिकतम अवधि के रोजगार पाने और रोजगार करने के लिए दिया जाएगा। और आवेदन की प्रक्रिया जो है वह आप देख सकते हैं, एसएसओ आईडी से लॉगिन करके आपको अपनी एसएसओ आईडी बना के और सारे इम्पोर्टेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाने होंगे। अब देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला नोटिफिकेशन जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप देख सकते हैं, या इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। www.employmentlivelihood.rajasthan.gov ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं और ये कैसे जो बेरोजगार भत्ता है वो स्वीकृत होगा और कैसे दिया जाएगा उसकी डिटेल है, जो आपको बखूबी नॉलेज है। इस योजना का संचालन और मॉनिटरिंग संबंधित रोजगार कार्यालय अध्यक्षों के माध्यम से किया जाएगा। इस भत्ते के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा रोजगार विभाग में बजट आवंटन किया जाएगा। यदि किसी प्रार्थी को भत्ता प्राप्त करने की अवधि में किसी भी प्रकार से अपात्र पाया जाएगा तो भुगतान न किए गए भत्ते भी वसूल किए जाएंगे। इस योजना की क्रियान्वित के लिए रोजगार सेवा निदेशालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। बेरोजगारी भत्ते की मासिक आधार पर देय होगी। बेरोजगार भत्ते के भुगतान हेतु एक ही बैंक से करार किया जाएगा। रोजगार विभाग तथा संबंधित जिला कलेक्टर समय समय पर तथ्यों की जांच करते रहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन की, जिसके कारण सारे के सारे बेरोजगारी भत्ते के डॉक्यूमेंट वापस आए हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। ये तो इसके दस्तावेज है जो आप देख सकते हैं, ये दस्तावेज हैं जो आप इनको अपलोड करना जरूरी हो जाएगा। पात्र आशार्थी और स्वघोषित लिखित आवेदन पत्र अनेक्षर 1, योजना के पात्रता संबंधी बिंदु 5 और 6 संबंधी प्रार्थी के स्वघोषणा पत्र। ये जो स्वघोषणा पत्र हैं जिसकी वजह से सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स वापस आए हैं या सारे फॉर्म रिसबमिट मांगे गए हैं, तो दोस्तों इसकी बात करते हैं। और ये कौन सा फॉर्म है वो नीचे अटेस्टेड है, अटैच किया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और उसी फॉर्म पे जाते हैं। ये आपको डिक्लेरेशन देना ही है, ये पिछली बार आपने दिया था, इसको देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये एक नया फॉर्म जो है इस बार निकला है, इसको आपको स्वघोषणा पत्र से साइन करके आपको भेजना पड़ेगा। ये फॉर्म है, आप देख सकते हैं इसको। प्रार्थी द्वारा योजना के शर्तों का पूर्ण करने संबंधी स्वघोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र के कारण ही सारे के सारे जो सारे के सारे फॉर्म रीसबमिट आए गए हैं। प्रार्थी द्वारा योजना शर्तों को पूर्ण स्वघोषणा पत्र, इसमें आपका नाम, पिता का नाम लिखते हुए, इसमें से किसी भी नीचे दी गई लिस्ट में से अगर कोई भी आपके लागू होता है तो आपको ये छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए ये नया घोषणा पत्र मांगा गया है। इसमें वो सभी बिंदु दिए गए हैं जिसके तहत आप आते हैं या नहीं आते हैं। और इसमें लिखा है, उपरोक्त स्वघोषणा पत्र के बिंदु संख्या 1 से 10 तक मुझ पर लागू नहीं होते हैं तथा मैं योजना अनुसार अपात्र नहीं हूँ। यदि उपरोक्त घोषणा पत्र बाद में झूठा साबित होने पर भारतीय दंड संहिता, अपराध दंड संहिता और अन्य विधि सम्मत कानून के तहत कार्रवाई हेतु मैं जिम्मेदार रहूंगा। और यहाँ पर आपको साइन करने, सिर्फ यही साइन करके आपको ये वापस से अपलोड करना होगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये आय का घोषणा पत्र है जिसमें आपको नोटरी कराना पड़ेगा, नोटरी पब्लिक अधिकारी द्वारा। यहाँ आप नोटरी करवा सकते हैं, यहाँ आप नोटरी कराना ही पड़ेगा आपको, तभी जाके आपको ये फॉर्म सबमिट होगा और छात्रवृत्ति का फ़ायदा मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये सारी की सारी जो डिटेल थी मैंने आपको बता दी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। और बेल आइकन पर क्लिक करने से हमारा नया वीडियो आप तक पहुँचता रहेगा। इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण बदलाव होगा तो हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।